बड़ी देर तो अफवाहों का बाजार गर्म है, यूके दे विच रूल बदल जा रहे हैं, यूके च वर्क परमिट घटाउन जा रहे हैं, स्पाउस केस बंद करन जा रहे हैं, बला बला बला। तुसी यूके की डिग्री करके कल नूं अमेरिका वर्गी कंट्री च वधिया मल्टीनेशनल कंपनी जॉब लैन जांदे हो, हस के छावां करदे ने। 100 पिछे 80% बच्चे, मैं घट कहते तो होंगे 85 होंगे, 80% स्टूडेंट आपकी डिग्री आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करते। सत श्री अकाल जी सारे नूं, मैं तुहाडा अपना सुखचैन राही RS ग्लोबल इमीग्रेशन दे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम राही अज अपडेट देवांगा यूके जाने वाले बच्चे नूं। कुछ गल्लां तुहानूं कौड़ियां लगनगियां, नैगेटिव लगनगियां, पर सच्चाई इही है। वीडियो चंगी लगे तो शेयर करो, आपके सुझाव फीडबैक जरूर सानूं कमेंट के रूप च दे दिओ, और साडा चैनल सबसक्राइब करो, क्योंकि मेरा मकसद इस चैनल राही सिर्फ और सिर्फ सच का पहरा देना, ताकि तुसीं अपने भविख संबंधी सही फैसला कर सको। सो तैयार हो जाओ कौड़ियां गल्लां सुनने लई। अगले 4-5 मिनट थोड़ा जे दिमाग दियां नाड़ियां कन्न खोल के सुनियो, अगर यूके पढ़न जाण दी एप्लीकेशन लगा रहे हो या लगा चुके हो। बड़ी देर तो अफवाहों का बाजार गर्म है, यूके दे विच रूल बदल जा रहे हैं, यूके च वर्क परमिट घटाउन जा रहे हैं, स्पाउस केस बंद करन जा रहे हैं, बला 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 बला, जिन्हां च बहुतियां गल्लां सच्चियां भी ने, कुछ अफवाहां भी ने। हुण प्रॉब्लम की है कि मैं पहले दसना चाहूँगा किहड़े स्टूडेंट नूं यूके नहीं जाना चाहिए। तुसीं मेरी पुरानी वीडियोज़ चक के देखो, मैं हर एक विच तुहानूं यूके जाण दी सलाह दित्ती है, पर अज वीडियो थोड़ी उल्ट करांगा। क्यों उल्ट करांगा? किहनूं नहीं जाना चाहिए तो जाना किहनूं चाहिए ऑटोमैटिकली समझ लग जाएगा तुहानूं। प्रॉब्लम यह है कि जिहड़े बच्चे ने 12वीं क्लास पास की है, डिग्री करन जांदा, बैचलर डिग्री, साल की फीस घट्टो घट 15-20 लाख रुपया एक चंगी यूनिवर्सिटी की फीस, और 3 साल की फीस तुहाडी बनती है 45 लाख रुपए तो घट्टो घट 60 लाख रुपया। सो 3 साल की फीस जी घट्टो घट 45 लाख रुपए तो 60 लाख बनती है। एक एवरेज बेस से बच्चा साल की फीस नहीं कढ़ पाँदा यूके पढ़ के। क्यों नहीं कढ़ पाँदा? क्योंकि बेचारे ने पार्ट टाइम काम करना, पढ़ाई भी करनी, असाइनमेंट पूरी भी करनी, यूनिवर्सिटी अटेंडेंस भी लानी, अपने कपड़े भी धोने, अपनी रोटी भी बनानी, तो फिर घर अपने माँ प्यो नाल गलबात भी करनी। शड्यूल बिजी होने करके बच्चे को इन्ना ज़्यादा समा नहीं होंगे कि वो ओवर टाइम काम कर सके, क्योंकि वैसे भी कलॉ जो कानून आ लॉ उन्होंने अलाउ नहीं करता। जे कोई बच्चा सोचता कि मैं साल भर काम करके अगले साल की फीस भी कढ़ लाँ, घर पैसे भी भेज लाँ, इतने कमरे का किराया भी कढ़ लाँ, तो वधिया ब्रांडा दी जीना भी पाला, नहीं पॉसीबल, क्योंकि यूके च हालात बहुते ज़्यादा वधिया नहीं। मैं फिर तुहानूं कह दिया, मैं नैगेटिव नहीं कर रहा, सच का एक्चुअल तौर पर पर्दा खोल के दिखाने की कोशिश कर रहा तुहानूं। जिहड़ा बच्चा +2 क्लास पास है, उहदे माँ प्यो कोल इत्थे इंडिया च पैसे है भी चल भरावा सानू भावें ना भेजी अपनियां फीसां कढ़ ली, तो जे थोड़ी बहुती फीस थोड़ी तो आपां भेज देंगे, वह बच्चा कामयाब है। फर्ज करो साल की 15 लाख फीस है, 10 लाख बच्चे ने साल च जोड़ ली, 5-6 लाख रुपए जो फीस थोड़ती भी अगले साल की, उहदे माँ प्यो फीस भरन नूं भेजन नूं तैयार है, वह बच्चा जम जम यूके जाए, बिल्कुल यूके जाए, डिग्री करे, कंप्लीट करे, पढ़ाई खत्म करके वर्क परमिट लवे, दुनिया के दरवाजे तुहाडे खुल जाने। तुसी यूके की डिग्री करके कल नूं अमेरिका वर्गी कंट्री वधिया मल्टीनेशनल कंपनी जॉब लैन जांदे हो, हस के छावां करदे ने। तुसी यूके च पढ़ के कल नूं आस्ट्रेलिया वर्क परमिट ते जाना चाहुंदे हो, कल नूं कैनेडा वर्क परमिट ते जाना चाहुंदे हो, कल नूं यूके तुसी वर्क परमिट ते आके फर्दर सैटल होना चाहुंदे हो, PR तक भी मिलेगी तुहानूं। पर प्रॉब्लम कितना बच्चों नूं पैंदी है, इत्थों बेचारा एक मिडल क्लास बंदा चक थल करके पैसे व्याजी फड़ के या प्यो की जमीन गहने रख के यूके जाता, इस सोच नाल भी जाके मैं 6 महीनों पता नहीं कि उत्थे नहर वगदी पौंडा दी या दरख्तों के पौंड लगे पुट पुट के मीडिया भेज दाँगा तो बापू का कर्जा ला दाँगा। एक गलत फहमी पा के जो बच्चा यूके जाता ना, तो उत्थे जाके जो रोजी पिक्चर बना के जो गया होंदा, हाँ भी लंडन ब्रिज देखा, तो वह देखा, तो आह देखा, वो जाके जो एक्चुअल सच्चाई वेखती है तो 24 घंटिया के बच्चे के सपने चकना चूर हो जाते हैं। जिन्ना बच्चों तो पता भी यूके आ हालात है, रिश्तेदार रेंदे है, सानू पता उन्हें सानू रख लेना, सानू काम ते लवा देना, माड़ी मोटी पैसे की मदद भी कर देनी है, वो दा बच्चा ठीक है। जिहड़ा बेचारा सारा दारोमदार अपने कल्ले दे सिर ते चुक के जांदा, वह कसूता फसदा, वह ना तो मुड़ के रो के अपने माँ प्यो नूं दसण जोगा, तो ना यूनिवर्सिटी अगली फीसां भरन जोगा। 100 पिछे 80% बच्चे, मैं घट कहते होंगे 85 होंगे, 80% स्टूडेंट आपकी डिग्री आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करते यूके जाके, स्पैशली अंडर ग्रैजुएट स्टूडेंट जिहड़े 12वीं करके 3 साल डिग्री करन जा रहे हैं, उन्हां करके अगे यूनिवर्सिटीज़ सख्त रवैया अख्तियार कर रही हैं उन्हां स्टेट्स के बच्चों का, जिहड़े स्टेट के बच्चे नहीं पढ़ते, उच्च पंजाब हरियाणा राजस्थान मोरली कतार ते है,
क्योंकि बच्चे पढ़ाई छड़ के या तो इलीगल हो जाते हैं जिन्हों फौजी कहें देसी कहें तो या कोई जुगाड़ ला के उत्थे एम्पलॉयर नाल कोई कॉस लैटर लैके स्पोंसर लैके अपना वीज़ा वर्क परमिट चेंज करा रहे हैं। वर्क परमिट वाली स्टोरी भी सुन लो, वर्क परमिट मिलते हैं 3 तो लैके 5 साल के, जो भी इंपलॉयर भज रहे हैं, कंपनियां बंद हो रही, बच्चे फिर सड़कों पर आ रहे हैं जिथे पढ़ाई के विच तुसी वर्क परमिट वीज़ा चेंज करा सकते सी, वो भी वर्क परमिट की स्टोरी एक अगली वीडियो दसाँगा कि हुण यूके दे विच वर्क परमिट वाले बंदे का की हाल हो रहा जिन्हें पढ़ाई छड्ड के वर्क परमिट का वीज़ा चेंज करा लिया सी, वो अगली वीडियो दसाँगा। बट अज की वीडियो क्लीयर करते हैं, 12वीं पास हो डिग्री करन जाना, माँ प्यो को पैसा नहीं हैगा, व्याजी पैसे चुक के जाना, ना जायो यार, ना जायो। बेशक साढ़े बिजनेस में फर्क पूगा, कोई गल नहीं यार, किसी होर को पैसे कमा लाँगे, पर एटलीस्ट तुम दुआ तो दोगे, सरदार ने चंगी सलाह दी थी। अगर आपके पैसे परिवार को है ने, थोड़ी बहुत फीस भेजन जोगा, माँ प्यो को पिछे पैसा कमाई सरमाया पे, फिर जरूर यूके जाओ। बट ये सोच के मैं घर पैसे भी भेज दूंगा, कर्जे भी ला लूँगा, फीसा भी भर लाँगा, योजी बेवकूफी हरगिज़ ना करो। दूजे पासे बच्चा जोड़ा बच्चा ग्रैजुएट है, वह सौखा क्यों आ, वह क्यों जाना चाहिए ज क्यों जाता। ग्रैजुएशन वाला बच्चा एक साल की डिग्री करन जाता मास्टर, एंड मोस्टली यूनीवर्सिटियां साल की फीस लैके फिर बच्चे जान दिंदियां ने, कैश लैटर फिर दिंदियां ने। सो साल की फीस बच्चा इत्थों पे करके जाता भावें 12 लाख भावें 18 लाख भावें 15 लाख रुपया, यानी कि बच्चे के सिर पर उत्थे जाके फीस पे करने की लाइबिलिटी जीरो है। दूजा ग्रैजुएट बच्चा नाल स्पाउस जाता, 90% केस में बच्चे नाल कुड़ी नाल मुंडा हसबेंड नाल जाता, क्योंकि ज़्यादातर ग्रैजुएट जुवैह जोड़े अपनी एप्लीकेशन दर्ज करते हैं। स्पाउस नाल जांदा, फुल टाइम काम की परमिशन आ, स्टूडेंट नूं पार्ट टाइम काम करन की परमिशन आ, वह पैसे जोड़ लैंदा, वो अपनी जे कोई किसी माड़ी मोटी 6 महीने की फीस रह भी गई किसी बच्चे की तो अपनी फीस भी कढ लैंदा, क्योंकि हसबेंड फुल टाइम काम कर रहा। मोरओवर 1 साल पढ़ के मुड़ के 2 साल का वर्क परमिट मिलता, एक्सटेंशन ली जाती है, उधरी रस्ता सौखा। जिहड़ा बच्चा ग्रैजुएट आ वो तो फाइल जरूर लावे, क्योंकि उधरी रस्ता छोटा, कल 1 साल फीस भरनी, 1 साल खर्चे करने। जिहड़ा 12वीं पास आ ग्रैजुएशन करन चलिया, उधरी रस्ता औखा। सो आई थिंक गल्लां कौड़ियां लगियां होणगियां, बट समझ पै गई होणगियां किन्नू जाना चाहिए किन्नू नहीं जाना चाहिए। अगली वीडियो गल करांगे यूके दे वर्क परमिट बारे, जिन्होंने जाके उत्थे पढ़ाई छड़ के वीजे चेंज कराए या जिहड़े इत्थों वर्क परमिट लैके जा रहे हैं उन्होंने की हशर हो रहा, की पॉजिटिव की नैगेटिव पॉइंट ने। साढ़े इस चैनल नाल जुड़े रहो अगर यूके दे वर्क परमिट बारे इनफॉर्मेशन चाहिए है। साडा जिहड़ा चैनल सबसक्राइब कर लियो, नोटिफिकेशन का जिहड़ा बैल वाला बटन है वह ऑन करके रख लियो, ताकि नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि जिहड़ी भी इनफॉर्मेशन यूके संबंधित पढ़ाई दे संबंधी वर्क परमिट संबंधी PR संबंधी तुहाडे तक जिहड़ी पहुँचाना चाहुंदा वह तुहाडे तक सब तो पहले पहुँच सके, और उस नॉलेज का हिस्सा बन के, उस वीडियो हिस्सा बन के आपके भविष्य संबंधी एक सही फैसला कर सको। वीडियो किवें लगी आप सुझाव जरूर दे दियो, फीडबैक के रूप में कमेंट कर दियो थले। अगली किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हो, किस विषय पर चर्चा करवाना चाहते हो, वह भी जरूर भेजो, ताकि मैं और मेरी टीम मेहनत करके रिसर्च करके अगली वीडियो तुहाडे रूबरू लैके आईए। तद तक जुड़े वास्ते रहो, रब रखा, सत श्री अकाल।